Hello, students. Myself, Doctor Abhutpadya, Team CLC, seeker And today we are solving the minor test second of test series of NEET 2022. And out of 14 total minor test, we will solving the second paper of our minor test series. And today I will solve the question number 91 to question number 135 for the zoology portion. So today we are solving the zoology portion. And guys, each and every question is important because any question can be arise in your exam so be careful and I will try to my best to cover the whole things of the entire concept of this chapter by these questions okay so I hope that will be very helpful for your understanding the concept of breathing and exchange of gases of the chapter of human physiology so guys now we start the question one by one okay so take the question number 91 okay guys the question number 91 ka ab

हो रहा है रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है और गैसेस का एक्सचेंज क्या हो रहा है उसको प्रोसेस को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ब्रीदिंग का प्रोसेस है और कौन सा रेस्पिरेशन का सो वी नो दैट इज डिफर फ्रॉम रेस्पिरेशन हाउ कैसे आपको पता रहेगा कि दोनों डिफरेंस है ब्रीदिंग बेसिकली सिंगल स्टेप प्रोसेस है सिंगल स्टेप और जो रेस्पायरेशन है दैट इज मल्टी स्टेप प्रोसेस यानी जो ब्रीदिंग होगा वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा मींस आप ऑक्सीजन को इनवायरमेंट से एटमॉस्फेयर से इंटेक कर रहे हो और सीओ टू को वापस एक्सेल कर रहे हो ये जो प्रोसेस लंग्स एल्वियोलाई और एटमॉस्फेयर के बीच में जो हो रहा है दैट इज नोन एज व्हाट ब्रीदिंग दे ओके okay? तो ब्रीदिंग वाला पोर्शन जो होगा वो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में होगा यानी ओ टू जो है

ऑक्सीजन रिसेज टू द एलव जैसे ही ऑक्सीजन एल्व्यूल में जाएगी वहां से डिफ्यूज होकर ब्लड में और हीमोग्लोबिन से कंबाइंड हो जाएगी एंड फॉर्म ऑक्सीमोग्लोबिन और वो से ट्रेवल करता हुआ कहा जाएगा cells, means, के पास, और को क्या डिलीवर कर देगा ऑक्सीजन डिलीवर कर देगा और सेल के अंदर ऑक्सीजन एंटर करेगी तो सेलूलर एस्पायरेशन होगा जिसके रिजल्ट एंड क्या निकलेगी एस एंड बी यूटीलाइज बाई अवर डिफरेंट काल्स ऑफ अवर बॉडी सो यू नो दैट

so all these things are included in respiration. respiration that's why the the is is a a multi-step process, while the breathing is a single and without using any kind of enzyme. You know, enzyme कोई यूज नहीं होता है किसके अंदर ब्रीदिंग के अंदर और रेस्पिरेशन के अंदर आपको पता ही कार्बोनिक एंड हाइड्रोजन होता और भी मल्टीपल एंजाइम्स होते जो एसोसिएट so, is, is, is breathing, ब्रीदिंग एस इज रेस्पायरेशन correct आंसर इज थर्ड

erv plus rv that you can identify the what functional residual capacity so option will be third volume of air that will remain remain inside of the lungs after normal expiration that is known as what

करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जब अपन भी कहीं भी स्मोक वाले एरिया में जाते हैं टॉक्सिक क्यों है बिकॉज आपको बहुत अच्छे से पता है

4 of question number 95. Okay, take the next question. Okay, question that what happened in hamburger effect? Hamburger effect, you know that it is also known as chloride shift. Also known as chloride shift. As you know, in the chloride shift, what blood plasma? Say? Blood, plasma और इस तरफ कौन आ जाएगा आरबीसी और पूरा प्रोसेस आपको पता ही है काफी लेंदी है तो यहां से बाइकार्बोनेट किधर आएगा ब्लड के प्लाज्मा में आएगा और इधर आरबीसी के अंदर कौन जाएगा क्लोराइड करेक्ट ये बाइकार्बोनेट बाहर आकर प्लाज्मा में क्या बना देगा एन NaH, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट और ये अंदर जाके बना देगा केसीएल के से कंबाइंड हो जाएगा दैट इट विल फॉर्म केसीएल ओके तो इस तरह से आपस में क्या कर लेंगे बैलेंस कर देंगे तो ये वाला प्रोसेस जो है बाइकार्बोनेट का अंदर आना और क्लोराइड का आई I मीन mean, आरबीसी में जाना ठीक है इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं शिफ्ट शिफ्ट और क्लोराइड so, बाइकार्बोनेट मूव्स आउट ऑफ द प्लाज्मा यस आउट ऑफ प्लाज्मा आरबीसी से कहां आ रहा है ये प्लाज्मा में आ रहा है बिल्कुल एंड क्लोराइड आयंस एंटर इनटू द आरबीसी एंड क्लोराइड आयन एंटर इनटू इं इंटो दरबीसी करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन

divided into the bronchiole and this trachea is surrounded by c shaped hyaline cartilaginous rings ye isko surround karti hai and which prevent collapse of the collapse of the bronchi and trachea jo aapas mein usko pichakne se rokti hai otherwise they will be collapse okay guys so these these all c shaped cartilaginous ring are 16 to 20 numbers and they all are formed by which type of cartilage that is

देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स एक्सपायरेशन कभी भी नेगेटिव प्रेशर में नहीं होगा अंदर पॉजिटिव होगा एटमॉस्फेरिक जो है वो लेस होगा तब क्या आएगा बाहर आएगा तो अंदर वाला पॉजिटिव होगा बाहर वाला उसके रिस्पेक्ट में लेस और नेगेटिव कह सकते हो आप ठीक है तो ये भी गलत है नेक्स्ट इंस्पिरेशन अगर व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव प्रेशर इन द लंग्स इंस्पिरेशन और अंदर पॉजिटिव होगा तो इंस्पिरेशन थोड़ी होगा एक्सपायरेशन होगा तो ये भी रॉन्ग हो गया सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 97 नेक्स्ट ओके गाइस Which of the following डज नॉट अंडरलाइन करो आप पहले से does not नॉट ऑकर्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कह रहा है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन हो रहा है पर कोई भी forceful inspiration नहीं हो रहा है। ये बहुत करने वाली है अगर forceful inspiration होता तो इंटरनल इंटरकोस्टल पार्टिसिपेट करती यहाँ यहां पर बिल्कुल एक नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग हो रही है ओके सो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ फ्रेनिक मसल या फ्रेनिक मसल का नाम आपको पता होना चाहिए यहां पर यह डायफ्राम को कह रहा है क्या वॉट इज फ्रेनिक मसल डायफ्राम इज ऑल्सो नॉन इज फ्रेनिंग मसल

क्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल रिमेंबर गाई इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ओनली फोर्सफुल ब्रीदिंग में काम आएगी ओके सो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज देयर इज ओनली नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग नॉट फोर्सफुल अगर फोर्सफुल होता तो क्वेश्चन में लिखा होता ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया ठीक तो तो है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल तो करेगी नॉर्मली तो करेक्ट आंसर इज थर्ड की थर्ड वाला जो है बिल्कुल रॉन्ग है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ऐसा नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब आपको खूब सारे चार स्टेटमेंट इनकरेक्ट से, सेलेक्ट करना है पहले कर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 95। बिल्कुल सही बात है प्रेशर O2, में आपको पता ही है 95 होता है और पी का जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्टी एम एम सेम ये भी यूनिट किसमेंट सीओ टू इज टेन टाइम्स मोर सोल ऑक्सीजन इट इज रॉन्ग

ऑफ ऑक्सीजन कितना सेचूरेट हो पाता है किस प्रेशर पे ठीक है ना तो अब आप देखो ये ग्राफ जो था इसमें दो कंडीशन थी एक तो ये राइट साइड right था, right था और एक वाला कौन सा था, आपके? था. Right इसमें था कि ये टिश्यू सरफेस पे होता है कौन सा होता है टिश्यू सरफेस पर ऑलवेज रिमेबर और ये जो होता है वो ऑलवेज कौन सी सरफेस पर होता है एलवी सरफेस पर या ओलर सरफेस पर होगा Means, पर जैसे ये बना न, ये बना ना ऑक्सी डिसोसिएट होगा किसमें हिमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में और ये ऑक्सीजन किसके पास जाएगी सेल्स के पास तो ग्राफ किधर जाएगा इधर और इसमें क्या होगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्या हो जाएगी बाइंड हो जाएगी तो यहाँ पर बन जाएगा एच बी ओ टू बोले तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो ये वाला शिफ्ट कौन सा हो गया लेफ्ट शिफ्ट है और ये राइट अब पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन है जो राइट में शिफ्ट करेगी तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है अगर कोई भी राइट में शिफ्ट कराना है आपको तो आपको पीओ कम करना होगा ज़्यादा ज़्यादा करना होगा, H करनी होगी रिमेंबर पी एच कम करना होगा ऑटोमेटिक हो जाएगा वो तो एच का और साथ में आपको टेम्परेचर यहाँ का कम करना ज्यादा होगा ठीक है ना और टू थ्री डी पी जी प्लस रेट वो आपको ज्यादा रखना होगा ये जो कंडीशन मैंने आपको लिखी है वो राइट right साइड में शिफ्ट करने वाली है और इसकी वाइस वर्षा कर दो तो तो किधर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में ओके okay? तो इसमें देख लीजिए कौन सी है हाई वैल्यू डिसोसिएशन करेगी हाई ऑक्सीमोग्लोबिन शिफ्टिंग ऑफ द लेफ्ट लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीमोग्लोबिन बन रहा है और ऑक्सीमोग्लोबिन में कह रहा है हाई वैल्यू ना हाई पीओ टू तो किधर ले जा रहा है इसको राइट right साइड में ले जा रही है गलत हो गया हाई चर ये भी किधर ले जा रहा है आपको देख लो हाई टेम्परेचर ये भी राइट right में ले जा रहा है ये भी गलत हो गया लेसर एच एन कंसेंट्रेशन हाँ लेसर एच एंड कंसेंट्रेशन अगर होगी तो ये डेफिनेटली किधर आ जाएगा लेफ्ट में आ जाएगा और डिक्रज टू डिक्रीज बी ओ टू हो रहा है राइट right में जाएगी ये भी गलत तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया थर्ड तो ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज वन जीरो वन इंस्पायरेशन ऑकर वेन ये कह रहा है कि इंस्पायरेशन कब होगा तो बहुत अभी भी अपन ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि इंस्पायरेशन कब होगा एटमोस्फिरिक प्रेशर आपको पता है बहुत अच्छे से कितना होता है सेवन सिक्सटी एम एम करेक्ट ये एटमोस्फिरिक प्रेशर है अगर जो हमारे लंग्स है इस लंग्स में इस सेवनटी जिससे लेस हो जाएगा प्रेशर तो एयर किधर मूव करेगी आउट टू इनपायरेशन है अगर ये ज्यादा तो तो प्रेशर इज लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर तो बहुत सिंपल है देखो अंदर का प्रेशर कम बता रहा है लेस देन एटमोस्फेर एयर कहा आएगी इनसइड तो यही हो गया आंसर इंस्पीरेशन कह दोगे आप ये कह रहे हैं इफ इंटर देखो यहां इंटर इंटर आते ही गलत हो गया फिर देखो अंदर हुआ तो एयर बाहर आएगी एक्सपायरेशन होगा इंस्पायरेशन थोड़ी तो होगा ये भी गलत करेक्ट तो आंसर हो गया कौन सा फर्स्ट नेक्स्ट अब देखो आप बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो मैचिंग वाले होते हैं ठीक है देखो आप कैसे Identify the A, B, C, D. A क्या है? इसके ऊपर आप ध्यान से देखना। बुक के अंदर करेक्ट फिर कह रहा है कौन B. B है, कौन B है कौन? सा आपको बताइए से आ गया फिर कह रहा है सी सी आप सबको पता है डोम शेप क्या आ रहा है ये आ गया डायफ्राम ओके okay. फिर कह रहा है डी डी आपको बताइए यहां पर ये रिब्स होती है ये रिब्स के कट है कट एंड्स ऑफ रिब्स का टेंड ऑफ रिब तो आप आइडेंटिफाई और ई क्या है आपको पता है ब्रोंकाई यहाँ पर डिवीजन हो ही रहा है नो no डाउट ये कौन सा हो गया ब्रोंकस या तो ही बोल दो या ब्रोंकस बोल दो बात तो एक ही है ये लीजिए ये हो गया ई तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेबलिंग करनी थी आपको ओके क्वेश्चन नंबर 103 ऑक्सीहीमोग्लोबिन वापस आके देखो ज अनस्टेबल कंपाउंड बिल्कुल सही बात है ये जो बना है ना एच बी ओ टू ये अनस्टेबल है एच बी प्लस ओटू और ओटू किसको मिल जाती है सेल्स को यानी टिश्यूज को मिल जाती है ठीक है बिकॉज ऐसा क्यों है हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स पिगमेंटेड प्रोटीन इसकी वजह से नहीं पिगमेंटेड है, है तो हीमोग्लोबिन तो पिगमेंटेड तभी तो अपने ब्लड का कलर कैसा हो रहा है रेड हो रहा है तो वो इससे कोई लिंक नहीं है देयर इज ए फिजिकल बॉन्डिंग बिटवीन ओटू एंड हीमोग्लोबिन फिजिकल बॉन्डिंग से क्या मतलब है यहाँ पर सारा का सारा क्या है

वन थाउजेंड टू इलेवन और वाइटल कैपेसिटी आपको पता ही है बहुत सारी लंबी चोरी है सबको जोड़ दो ऑलमोस्ट 4600 सिक्स जीरो इतनी होती है वाइटल कैपेसिटी तो आप देख लो सबसे ज्यादा और सबसे कम उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है तो ध्यान से देखिए आप इसके अंदर क्या रहेगा सबसे ज्यादा कौन सा आ गया ये आ गया तो ये वाला गलत हो गया ये भी गलत हो गया ये देख लो आप इधर उससे कम कौन सा है बी वाला ये रहा बी वाला फिर थर्ड वाला ये रहा थर्ड वाला फिर फर्स्ट

मेम्ब्रेन होती है तो डेफिनेटली ये बिल्कुल करेक्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज हायर देन द ऑक्सीजन बाय 20 25 टाइम बिल्कुल सही है ब्रीदिंग इज वॉल्यूम आर एस्टिमेटेड हेल्प बाय द स्पाइरोमीटर सो वी कैन मेजर द ऑल वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम अपन सारी चीजों को स्पायरो से मेजर कर सकते हैं प्रॉपरली कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे स्पायरो से क्योंकि वो में एयर रहती है ट्रैप उसको मेजर नहीं कर पाते हैं ओके okay? उनमें से फिफ्टी परसेंट फंक्शनल हो सकती है नॉन फंक्शनल होती है प्रॉपर एस्टिमेशन स्पायरोटर से नहीं निकाल सकते ठीक है तो ये वाला जो है बिल्कुल सही है कि एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पायर हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ये देख लीजिए आप अगर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है तो डेफिनेटली पीएच क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अगर पीएच कम हो जाएगा तो आपको बताइए ये आयन किसके फेवर में बनेगा हाई कंसेंट्रो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फेवर द फॉर्मेशन फॉर्मेशन नहीं होगा क्यों ग्राफ किधर जा रहा है आपका ग्राफ जो है वो राइट में शिफ्ट हो रहा है और राइट में जब शिफ्ट होता है तो क्या होता है एसोसिएशन नहीं होता है क्या होता है डिसोसिएशन होता है यानी फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये इनकरेक्ट हो गया आपके 105 का ऑप्शन नंबर फोर ओके गाइस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पायरेटर सिस्टम इज करेक्टली मैच इट्स कैरेक्टरिस्टिक यानी आपको रेस्पायरेटर सिस्टम के चार अलग अलग पार्ट्स दिए हुए पार्ट्स मीन अलग अलग डेस्क्रिप्शन अलग अलग रिलेटेड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपने इंक्लूड करते हैं वो सारी चीजें दे रखी है इसके अंदर जैसे ब्रोंकाइट्रेक या डायफ्राम ये सारे के सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही पार्ट है ठीक है अब उनके सामने जो इनका डेफिनेशन दे रखा है इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसको मैच कराना ये सही है या

बट यहाँ का जो सीन है टिश्यू सरफेस का यहाँ पर सीओ टू प्रोडक्शन हो रहा है तो सीओ टू का लेवल ज्यादा होगा हो तो क्या होगा ठीक है तो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इज हाई एंड सीओ टू इज लो नो सीओ टू तो देखो हाई है यहाँ पर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इज लो यस एंड सीओ टू इज हाई बिल्कुल सही बात है ऑक्सीजन लो नो एंड सीओ टू टेंशन इज लो दोनों लो नहीं हो सकती ये तो लो और ही चल जाएगा ऑक्सीजन टेंशन इज हाई हो ही नहीं सकता तो लो क्योंकि लो होगा क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन कम है देखो आप ऑक्सीजन कम है सीओ टू लेवल ज्यादा है तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा सेकेंड कंडीशन इज फिट फॉर दैट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is the correct location? Remember that location and function दोनों के respect में आपको पूछा है of pneumotaxis तो pneumotaxis center आते ही आपके दिमाग में क्या आ गया Pons की बात हो रही है किसकी बात हो रही है

टिश्यू सरफेस इसकी बात कर रहा था और ये कौन सी सरफेस हो गई ये हो गई एलिव्यूलर सरफेस ये हो गई एलिव्यूलर दो सर्फेस होती है जहां पर का एक्सचेंज होता है ठीक है तो अब आप देखिए इंडिकेट इंडिकेट डायरेक्शन फ्लो ऑफ द ब्लड बिल्कुल फ्लड का फ्लो अपन को पता है ऑप्शन इज करेक्टली इंडिकेट द नॉर्मल पी सीओ टू लेवल रिमेंबर गाइस पहले आप यहां लिख लो किसके लेवल की बात कर रहे हैं पी सीओ टू इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट का है ये रहा फर्स्ट या पीओ का कितना P ओ टू का इतना प्रेशर होता है 40 mm of Hg. Correct? और second पे ये ये भी कौन सा है पर? Oxygen, ये है, systemic arteries है, तो यहाँ पर भी आपको पता ही सीओ टू का प्रेशर कितना होगा फोर्टी और O2 का कितना नाइनटी फाइव इधर आ जाओ फिर आ गया थर्ड आगे? सिस्टमिक वेन यहाँ पर सीओ टू का लेवल वेन है तो डेफिनेटली बढ़ जाएगा और ओ टू का कितना हो जाता है यहाँ पर फोर्टी ओ टू का तो फोर्टी है सीओ टू का फोर्टी फाइव अब आप देख लो क्या क्या फोर्टी 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 फाइव

इंक्रीज और डिक्रीज जिसको अपन बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर जो इंटरकोस्टल मसल होती है वो इंक्रीज करती है डोरसो वेंट्रल यानी कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड का लंग्स uh, का डायमीटर इंक्रीज करती है बोलते हैं कैविटी का इंक्रीज करेगी ठीक है तो, तो डायफ्राम ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या होगा आपके एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा और डायफ्राम नीचे आ रहा है तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या हो जाएगा इंक्रीज बिकॉज़ को थोरेक्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा साइज भी इंक्रीज हो जाएगी तो आपको पता ही ए

एट द टिश्यू सरफेस रिमेंबर गाइस फिर आ गया क्वेश्चन देखो आप टिश्यू सरफेस और टिश्यू सरफेस आते ही दिमाग में आ जाता है सेल्स और ब्लड कैपिलरीज की बात है यहां पर पी सीओ टू का प्रोडक्शन हो रहा है तो सीओ टू यहां से किस में ड्रेन करेगी ब्लड में करेक्ट तो आगे देखिए आप एट द टिश्यू सरफेस वेयर पी सीओ टू इज हाई पी सीओ टू हाई बिल्कुल है, है। इज ए

फिर वापस किससे कंबाइंड हुआ पर सीओ टू से फिर कंबाइंड तो तो सारा देखो आप. ये आ गया टू, ये आ गया एस टू क्या मर गया एस टू सीओ थ्री और ये वापस क्या हो गया डिसोसिएट हो गया तो करेक्ट आंसर इज थर्ड कौन सी बात हो रही है कौन सी सरफेस की बात हो रही है रिमेम्बर ये सारा सारा हो रहा है कौन सा टिश्यू सरफेस के ऊपर तो आंसर इज थर्ड नेक्स्ट

ब्रीदिंग मीन्स गेटिंग इन सीओ टू ना इन तो कौन सी आएगी इन कौन सी आएगी ओ टू और एक्स सेल कौन सी होगी सीओ टू तो ये गलत हो गया नेक्स्ट सेलूलर एक्सपायरेशन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड मेटेरियल बिल्कुल सही बात है क्योंकि तो जो सेल्स है इसके अंदर जो ऑक्सीजन आएगी हिमोग्लोबिन के साथ जो डिसोशिएट होने के बाद में, जो सिंपल ऑक्सीजन बच गई है वो इसके अंदर आएगी तो यहाँ पर क्या करेगी फूड ऑक्सीडेशन करेगी और अपन को पता है रेस्पायरेटरी सिस्टम का मेन एम क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करना इसलिए अपन को सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन की नीड है तो ये करेक्ट हो गया न्यूट्रिय ऑल्सो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर सेम सेम नो दे आर डिफर मल्टी स्टेप सिंगल स्टेप ब्रीदिंग में एंजाइम रेस्पिशन में होते कौन सा मैंने अभी लिखा था आपको कौन सा कार्बोनिक एन हाइट्रेजो करेक्ट आंसर इज थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113

ए क्या आएगा ए आ जाएगा आपके एस टू कहाँ पर नहीं है रॉन्ग है या नहीं है या नहीं ये ये लो ऑटोमेटिक तो हो गया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं तो करेक्ट आंसर इज सेकंड ओके नेक्स्ट विच कंटेन फेवरेबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन आ गया ब्रेक डाउन का मतलब हो गया डिसोसिएशन यानी कि ग्राफ किधर जाएगा राइट right साइड में और इधर आता लेफ्ट में तो होता एसोसिएशन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होती LVolai में राइट right में जा रहा है इसका मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से होकर, अलग है, और आपको ले जाना राइट right में राइट right में ले जाना तो आपको है पीओ का लेवल आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है टिश्यू सरफेस पे तो लो पी टू हाई बिल्कुल होगी हाई एच एन कंसन बिल्कुल होगा हाई टेम्परेचर होगा तो ये पहला आंसर ही हो गया ये कौन सी डायरेक्शन में ले जाएगा ग्राफ को राइट right साइड में कौन सी राइट right साइड में ओके okay? ये कह रहा पीओ ना लो पीओ हाई लो ना HIN नहीं होगा लो पी ओ टू वैसे ही गलत हो तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट यहां से देखो लो ये भी लो दे रहे दोनों ये हाई होना चाहिए ना अगर हाई होता तो इसको कंसिडर करते ये भी गलत हो गया चलिए नेक्स्ट एट द टाइम ऑफ लेट प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी का टोटल अपन कितना टाइम मानते हैं नाइन मंथ्स

तो यानी डायफ्राम डायफ्राम बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा रेस्पिरेशन ऑलरेडी पुश हो चुका ऊपर की तरफ ठीक है तो हेल्प कौन करेगी इंटरकोस्टल मसल यानी कि थोरेसिक रेस्पायरेशन कह सकते हो आप कौन से थोरेसिक रेस्पायरेशन होगा एबडोम रेस्पायरेशन बिल्कुल नहीं होगा कि एबडोम में ऑलरेडी फीटस की वजह से जगह नहीं बची है डायफ्राम ऑलरेडी किस तरफ लंग्स की तरफ पुश हो चुका है पूरा का पूरा ठीक है रेडियल मसल मैंने आपको अभी बताया था रेडियल मसल इज ऑल्सो नज डायफ्राम इसी का ही सिनोनिम से ही है. तो डायफ्राम तो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा ठीक है एब्डोमिनल मसल ऑलरेडी डायलेटेड है और सार्टोरियस मसल कहां होती है तो लेग में होती है ये तो लेग में लेग में कौन सा रेस्पिरेशन होगा भाई ये तो बिल्कुल ही गलत है ठीक है तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर रीड केयरफुल ये कह रहा है कि खूब सारी एक लैरिंग्स है आपको बताइए

पेड कौन सी आपको पता है एपिक्लोटिस सिंगल होती ये है ये अनपैड है ये अनपैड है यूनिफॉर्म पैड है कार्निकुलेट पैड है थायराइड अनपैड है थायराइड अनपैड है क्रिकोइड अनपैड है एंड आरिटिनोइड पैड है इंटरनल नेट्स पैड है यानी कौन कौन से अनपैड है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो ठीक है कौन कौन सी एपिग्लोटिस तो देख लो आप ए तो आएगा ही नहीं किसी में ये ए है उड़ गया इसमें भी ए है किसी और में नहीं है चलो दूसरा जो ये भी वन होती है डी वाली डी किसमेंट आइए फिर ए, ए किसमें आ रहा है? उड़ गया कौन सा तो क्रिकोइड और थायराइड ये तीनों कौन सी आपको बताइए कौन सी है ये अनपेड है सिंगल है बाकी सारी डबल है तो ध्यान रखिएगा आप थायराइड सिंगल है क्रिकोइड ये भी सिंगल है और ये कौन सी आपके जो लिखी अपन ने कौन सी एपिग्लोटिस क्या है सिंगल है बाकी सारी डबल है ध्यान रखिएगा इसलिए का तो करें। तो इनको आप कर दो आंसर कौन सा हो गया हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ सीओ टू ट्रांसपोर्टेड इन द्रांसपोर्टेड इन दिनो हमोग्लोबिन ये कह रहा है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 22, 25 है वो कार मेमिनोबिन की फॉर्म होगी सेवेंटी परसेंट है वो किसके रूप फॉर्म में होगी बाई कार्बोनेट के फॉर्म में होगी और सेवन परसेंट जो बच गई है है ना वो किस में होगी प्लाज्मा के अंदर हो जाएगी ठीक है ना सेवन टू तो ये हो जाएगा टू प्लाज्मा तो तो करेक्ट आंसर इज ये परसेंटेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गेसेज है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अंडरलाइन कर लो पहले तो इनकरेक्ट अबाउट द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी यानी कि ओ RD के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है ध्यान रखना ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड ही बात आपको करनी है तो ऑक्यूपेशन के अंदर देखो वर्कर्स ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग बिल्कुल सही बात है जो ग्राइंडिंग माइल्स वगैरह में काम करते हैं कॉटन में काम करते हैं सब्जेक्ट जो काम करते हैं उनको डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्युपेशनल से रिलेटेड चाहे वो आयरन इंडस्ट्रीज हो चाहे वो ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज हो चाहे वो स्टोन मिल हो चाहे वो कॉटन मिल हो है ना इन सबके अंदर काम करने वाले जो बंदे हैं या कोल मिल हो इसके अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इतने स्मॉल साइज होती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एल्वियोलाई तक पहुंचकर इवन ब्लड में भी ट्रेवल कर सकती है ठीक है ना ये पॉइजनस हो सकती है और लंग्स के अंदर आपको पता ही डिपोजिट हो जाती है जिसमें लंग्स में एक्सपांशन की कैपेसिटी एल्वियोलाई के अंदर कैपेसिटी प्रेड्यूस होती जाती है तो ये बिल्कुल सही हो गया लॉन्ग एक्सपोजर डस्ट कैन गिवराइज टू दिनेशन ऑफ फाइब्रोसिस एक्सपोज में स्टोन के अंदर तो तो स्टार्ट हो, हो जाएगा तो ये बिल्कुल सही बात है मेजर कॉड ऑफ मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग रिमेंबर गाइड सिगरेट स्मोकिंग इज नॉट रिलेटेड रिलेटेड टू द ऑक्यूशन ऑक्यूपेशनल न बी प्रिवेंटेड बाई यूजिंग प्रोटेक्टिव मास्क हाँ मास्क लगा सकते हो आप गूगल से यूज कर सकते हो उससे बचा जा सकता है ना नो डाउट ये भी सही बात है करेक्ट आंसर इज थर्ड नेक्स्ट In, ये पूछ रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम तो ध्यान रखना में, कार्बोनिक में? में बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू कंपेयर टू टू ब्लड प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा से 5000 टाइम आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज ज्यादा होता है जो सीओ टू को किसके साथ कंबाइंड करता है एस टू से क्या बनाता है S2, और वापस डिसोसिएट करते हैं इसको यहां पर भी पर भी पर क्या बन जाएगा S2O CO2 so guys, correct answer is RBC फॉलोइंग आपको इंक्लूड ऑल फोर ये कह रहा है कि सारे के सारे के आपको सबको बताया के अंदर सारे आ जाते हैं सारे के सारे कौन सा TV भी आ जाता है IRBB आ जाता है ई भी आ जाता है प्लस आर आरवी सारे वॉल्यूम हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज़ अंडरलाइन करो यहां गलती करोगे आप लीस्ट सेंसिटिव बोला है हायर सेंसिटिव नहीं बोला लीस्ट सेंसिटिव क्योंकि तो हायर सेंसिटिव तो किसके लिए होता है

ध्यान है कौन सा दिया है डी है नॉट ऑक्सीजनेटेड अब पूछ रहा है blood, और फिर दिया है 100 ml, कौन सा oxygenated blood, clear blood, deliver. तो ये तो करेगा, 4 ml, 4 ml oxygen. तो करेगा देखिए आप इसमें फाइव एम एल टू दिश्यू ना फाइव एम एल टू दिश्यू ना फोर एम एल सीओ टू द यानी एलव्योलाई को कितना डिलीवर देगा ये सीओ टू

और ये डीऑक्सी ऑक्सीजनेटेड जो होगा वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा टिश्यू में अपन को पता था है 100 ml गया है तो नो डाउट 100 ml अगर जाता है, है तो उसमें से ये 5 ml कहां चला गया उधर चला गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं अपन ठीक है 20 इतना यहां डिलीवर हो जाएगा नेक्स्ट तो करेक्ट आंसर इज थर्ड व्हिच डिसऑर्डर ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ

एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो टिश्यू सरफेस हो चाहे एलब्यूलर सरफेस हो दोनों को इफेक्ट करेंगे किन किन के कितनी कितनी है कितनी, है थिकनेस और प्रेशर कितना ओके चलिए नेक्स्ट तो करेक्ट आंसर इज कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी कंडक्टिंग पार्ट आपको पता ही है कहां से शुरू होता है नोस्ट्रिल से शुरू होता है अपने नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल तक का जो पार्ट होता है नोस्टिल एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल तक का जो पार्ट है वो कंप्लीट कंडक्टिंग पार्ट है इट मींस वहां पर कोई भी गैसेस का एक्सचेंज यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस वगैरह कुछ भी नहीं होता ओनली गैस का आने जाने का ट्रेवलिंग पाथवे है इसे अपन बोलते हैं कंडक्टिव जोन दूसरा होता है रेस्पायरेटरी जोन जो आगे वाला होता है एल्विओलाई तक का जिसमें गैसेज का एक्सचेंज होता है ठीक है तो डेफिनेटली पहला ही सही हो गया एक्सटर्नल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल नेक्स्ट अब आप देखिए इन द सिचुएशन ऑफ हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की कमी है

अब आपके एनसीआर में बना हुआ है ऑक्सीजन लिया हुआ आपने ठीक है और डिस पर लिया हुआ आपके परसेंटेज ऑफ ऑफ किस ऑक्सीजन कितना परसेंट बाइंड हो रही है तो यहां पर इस तरह से ग्राफ बना हुआ है कैसा बना हुआ है आपके शेप एस एस का मतलब कैसा है सिगमोइड ग्राफ्ट है तो यहाँ पे सिग्मोड कौन सा है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है कौन सा हो गया थर्ड करेक्ट आंसर इज थर्ड नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ सरफेक्टेंट आपको पता ही है जो एल्विओलाई है इसके अंदर सेल होती है इसका नाम है न्यूमोसाइट सेकंड और ये रिलीज करती है एक एसिडिक सब्सटेंस दैट इज नोन एज सर्फेक्टेंट इसमें खूब सारा फॉस्फोलिपिड लेसिथिन वगैरह कंपोजिशन होता है ये सर्फेक्टेंट क्या करता है इस एल्विओलाई के अंदर इसको सरफेस टेंशन को कम करता है ध्यान रखना

गलत गलत करेक्ट आंसर इज फर्स्ट नेक्स्ट ओके प्रेशर हिमोग्लोबिन से इतना प्रेशर जहां पर ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन से फिफ्टी परसेंट बाइंड हो जाए उसे अपन बोलते हैं क्या पी फिफ्टी वैल्यू ठीक है तो यह कह रहा है कि इनक्रीज हो गई है द यूनियन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन तो क्या इफेक्ट आएगा आप चले जाओगे हंड्रेड तक इधर इधर आप सेचुरेशन कितना टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट ये फिफ्टी तक ही लेंगे ऐसे करते करते हंड्रेड परसेंट तक बाइंड हो जाएगी और ये ग्राफ इस तरह से क्लियर अब ये कह रहा है कि पी फिफ्टी वैल्यू क्या होगी जहां पर सेचुरेशन कितना हो जाए फिफ्टी ये लो कितने पे हो रहा है थर्टी पे हो रहा है यानी कि पी अगर मैं थर्टी कर दूं ओके okay, ऑफ mm तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कितनी बाइंड हो जाएगी अप्रोक्सीमेट फिफ्टी परसेंट बाइंड हो जाएगी ठीक है अब ये कह रहा है पी फिफ्टी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है यानी कि यह ग्राफ किधर शिफ्ट हो रहा है ये ग्राफ किधर शिफ्ट हो रहा है ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो रहा है ये इंक्रीज हो रही है पी फिफ्टी वैल्यू यानी यहाँ से इस तरह से शिफ्ट हो रहा है

अब देखो आप विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन मेन यानी कि अपने पूरा रेस्पायरेटरी सिस्टम का आपको यह बताना है कि कहां से कहां तक ये प्रॉपरली एयर का कंडक्टिव रूट है कैसे रेस्पायरेटरी जोन में यानी में एंटर करती है तो अपन को पता है सबसे पहले कहाजल पैसेज फिर इंटरनल नोस्टिल फिर फेरिंग ट्रे किया फिर ब्रोंका फिर 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 ये ब्रों की और एल्योलाई ये पहला ही सही है बिल्कुल परफेक्ट है ये कह रहा है नोस नोस से डायरेक्ट लेरिंग्स में नहीं आएगी Nose से फेरिंग्स में आएगी डायरेक्ट ट्रेकियारिंग में, में आती है फिर कह रहे हैं नोज फिर लेरिंग्स फिर फिर फेरिंग्स ये गलत हो फेरिंग करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ये परफेक्ट रूट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर का या पैसेज ऑफ एयर का नेक्स्ट रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोटिक आपको पता है ये हार्ट जो है हार्ट से अपन को पता है ये एरोटा निकलती है यहां से और एरोटा से आपको पता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है इसकी ब्रांचेस हो जाती है एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड कैरो पर रिसेप्टर होता है जिसको अपन बोलते हैं कौन से कौन से कैरोटिड और जो एरोटम होते हैं उसे बोलते हैं एरोटिक यहां से नर्व जो है मैसेज देकर कहा जाती है ब्रेन में ठीक है ना तो रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्ट्स ये हो गया एरोटिक आर्ट्स कौन सा वाला ये वाला कौन सा हो गया एरोटिक आर्ट्स ये हो गया कैरोटिक आर्ट्स यहाँ पर रिसेप्टर लगा रखे नेचर ने

कम हो रहा है ये लो लंग्स के अंदर का स्पेस क्या हो रहा है तो लंग्स क्या हो रहा है श्रिंक हो रहा है छोटा हो रहा है तो स्पेस कम होगा वॉल्यूम कम होगा तो आपको पता है V अगर कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा इंट्रा पल्मोनरी तो वॉल्यूम थोरेक्स डिक्रीज ये हो जाएगा कौन सा इसका देखो आप थर्ड यानी फर्स्ट के बाद में आएगा थर्ड स्टेप फिर एयर एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स एयर बाहर तो निकल गई एक्सपायरेशन होगा लेकिन आपको बताइए इंट्रापलोनरी प्रेशर भी क्या होगा इंट्रापलोनरी प्रेशर भी रेस्ड होगा अभी मैंने बताया वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बताइए तो तो प्रेशर तो इंक्रीज हो गई तो डेफिनेटली ये सबसे लास्ट में स्टेप होगा तो थर्ड स्टेप हो गया पहला फर्स्ट फिर हो जाएगा थर्ड स्टेप फिर हो जाएगा फोर्थ स्टेप उसके बाद फर्स्ट तो इसको मैच करा लो वन थर्ड फोर्थ फिफ्थ वन थर्ड फोर्थ And second, so correct answer is what first. Okay, so guys, this is the all about the paper explanation of your minor test series NEET 2022 with second paper. Okay, guys, so each and I will most try to cover all the topics, all the concept as much as possible. So, the remaining part hai. जो अगला जो टॉपिक आने वाला उसके अकॉर्डिंग अपन उसको भी इतना कवर करने के ट्राई करेंगे कि सारा आपके कॉन्सेप्ट बेटर हो जाए आपको एनसीईआरटी के बेस पर पढ़ना थोड़ा इजी फील हो ओके गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आपके नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन में अंटिल यू टेक केयर ऑफ योर थैंक यू बाय बाय जय जी